क्या सर? बुद्धिमान आरोपण है क्या सर? परफॉर्मेंस और रिजल्ट, इस दोनों में फर्क बताओ सबसे पहले, फर्क क्या होता है? आप बताइए। रिजल्ट होता है वन टाइम परफॉर्मेंस होती है लॉन्ग टाइम में। और कोई परफॉर्मेंस में सर ऑल ओवर देखते हैं हम, और रिजल्ट के अंदर सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, जैसे स्कोर फाइनल रिजल्ट है, और परफॉर्मेंस में उसकी सेटिस्फेक्शन, वो रिलैक्स होके खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा है, बाकी सारे कंपोनेंट है वो सही है क्या नहीं है। अब मैं एक चीज़ और बताओ कि मैच वाले दिन हम परफॉर्मेंस पे काम करते हैं कि रिजल्ट पे काम करते हैं? काम किस चीज़ पे करना चाहिए? देखिए एक छोटा सा गणित है, वो जिस दिन शुक्र को समझ में आ जाएगा उस दिन ये 10 मिनट लगना 15 मिनट लगना प्रैक्टिस और मैच में जो स्कोर का वेरिएशन है ना वो भी खत्म हो जाएगा। मान लो कोई शूटर जो है 570 का स्कोर कर रहा है प्रैक्टिस में, ठीक है, मैच में जाके क्या करता है वो 80% शूटर के साथ ऐसा होता है, यही होता है। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है शूटिंग की, जी सर, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही होता है, सबसे बड़ी दुविधा दिक्कत यही है, ठीक है। अब ये क्यों है? मान लो एक बच्चा है जो 570 मार रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या है, अच्छा मेडल किस पे आ रहा है? 55 पे मेडल है, ठीक है, ये इसको पता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में इसका एस स्कोर कितना है? 70। मैच वाले दिन ये क्या कोशिश करता है? 85 मारने की कोशिश करता है, मेडल तो इतने पर मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है फिर? किस चीज पे फोकस करता है? रिजल्ट पे। अगर वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करे कि मेरा जो प्रैक्टिस चल रहा है 570 का चल रहा है और मुझे मेरी प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो 570 ही चाहिए भाई, मेरे को 85 पर तक मारा ही नहीं है मैंने, 85 आज पर चमत्कार हो जाएगा, निर्मल बाबा वाली कृपा थोड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी ना, तो क्या होगा? अगर ये परफॉर्मेंस पे काम करेगा तो ये क्या करेगा? 570 के लिए शूट करेगा, 570 आराम से मार लेगा क्योंकि उसने मारा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर जाता है उस दिन क्या करता है, उल्टी गिनती शुरू करता है, पहला शॉट होता है 70 होगा, माइनस करना शुरू कर देता है, रिवर्स में गाड़ी चलाना शुरू करता है, तो फिर इसकी जो लंका लगते लेते लगभग यात्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो शूटिंग कर रहे हैं वो भी और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज़ समझनी जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शूटर बनिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट अपने आप आएगा, आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, आप देखें कि आप एक महीने के अंदर आपने 5 मैच किए, 5 मैचों का एवरेज निकाल करके आपका ये स्कोर आ रहा है, तो आपको क्या रिजल्ट आना चाहिए मैच में? यही आना चाहिए। अगर आपका ये आ रहा है, मान लो किसी बच्चे ने मैच में भी यही मारा तो प्रैक्टिस में मारा, ठीक है, मेडल उसको नहीं मिला, बस उसकी पोजीशन नहीं है 120, ठीक है, ये खराब है कि अच्छा है? इसकी अच्छा है, अच्छा है ना, जैसे जैसे ये थोड़ा और प्रैक्टिस करेगा ये इसकी ग्रोथ होनी पक्की है, लेकिन ये अगर 85 की तरफ मुकाबला रहेगा तो क्या 85 पहुँच पाएगा? नो सर। तो रिजल्ट पर फोकस कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए कि मैं प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इतना स्कोर मारता हूँ, उतने स्कोर के लिए आपको प्रेशर नहीं है, किसी आदमी 100 kg का वेट कभी उठाया ही नहीं, 50 kg तक आराम से उठा सकता है, एक दिन शर्त लगा दी माँ की कसम खिला दी गर्लफ्रेंड की कसम ये उठाना ही है, 100 kg कैपेसिटी नहीं है, फालतू का लोड क्यों लेना है, जितनी कैपेसिटी है उतना एक्सपेक्ट कीजिए, उतना मारिए आराम से, है कि नहीं? तो परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए, ना कि रिजल्ट के ऊपर। लेकिन होता क्या है, कोच को भी ये लगता है, मेरी अकेडमी के 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 को मेडल आना चाहिए, मेरे को फोटो खिंचवानी है, न्यूज़ वालों को बताना है, पेरेंट्स को लगता है फलाने का लड़का तो मेडल लिया था पिछली बार, अपनी बार मेरे वाले का आना चाहिए, तो वो मैच में पीछे बैठ के फोन सुनता रहता है, माड़ा फेरते रहते हैं, और जैसे ही बच्चा 8-8 मार के आता है पीछे आता है तो सुनते गाने, इसके लिए कहते हैं राम तेरे को यहाँ पे तेरे को रोज दही खिला रही हूँ, घी खिला रही हूँ मैं, ये है ना, तेरे को इतने बढ़िया होटल में रखा था मैंने, और मैंने सुबह नाश्ते में 4 पराठे खाए थे, बोला मैं बाहर नहीं खाऊंगा होटल में, 150 रुपये का पराठा था,
उसको पूरे गिनाने शुरू कर देते हैं, वो बच्चा वापस आता है जाके कमेंट होता है हमने वो तो पढ़ाने का एग्जाम देना पड़ेगा तेरे को जो है। हमने मौसी का घर था दिल्ली में, मौसी के घर नहीं रहे, तेरे चक्कर में होटल में रहे, 4,000 रुपये होटल में लगवा दिया, 150 रुपये के पराठे खा गया, अब मैं रिजल्ट नहीं लेगा। अब उसको वो पराठे का हिसाब करने लगे अगली बार तो मौसी के ही रुक जाऊंगा, लेकिन थोड़ा जी तो फिर से मेरे को ठीक है होता है सर। ये नहीं होगा, आपकी जेब में दाम है, आप होटल में रखो, नहीं है मौसी के यहाँ रहो, धर्मशाला में रहो, कहीं भी बच्चे को फ्री रखो। उसके दिमाग में ये लोड नहीं होना चाहिए कि मेरे बाप ने किडनी बेच करके मेरे को शूटिंग कराई। बाप को पता होना चाहिए, बाप का काम है, बाप को अगर मन है शूटिंग कराने का किडनी बेच के आया तो भैया बाप अपने तक रख, क्योंकि तू बाप है, उसको हक नहीं है बच्चे को बताने का कि भाई तेरे लिए मैंने किडनी बेच रखी, बेटा ओलंपिक का मेडल आना चाहिए, बच्चे की किडनियाँ सूख जाएंगी उस टेंशन में ठीक है। ये प्रेशर को डाइवर्ट करना आपको भी आना चाहिए और बच्चों को भी डाइवर्ट करना। सबसे ज़्यादा क्लास लगानी है पेरेंट्स, आपको सिखा के भेजते हो घर जाते हो पूछते हो दिखा कार्ड दिखा कुत्ते मारे ये तो छक्का मार रखा है, इसलिए गया था नीचे के ऊपर तेरे को ऑटो में 150 रुपये लगा के ऑटो से भेजा था, साइकिल नहीं लेके जाता था प्लान नहीं करता, वो सारे जो किए हैं उसके लिए गिनाने शुरू कर देते थे, तेरे लिए 6 बजे उठ के मैंने रास्ता बना के दिया था, तेरे ये करके दिया वो करके दिया था, कल नए जूते ला के दिए, बोले इसमें बैलेंस नहीं बन रहा है पता ना। ये सारी चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स को समझ में आएगी तो घर में क्या है खेल का माहौल है, ना कि ये कि बेटा तो युद्ध पे गया जाके वहाँ से सेना मेडल जीत के लाएगा। खाली हाथ क्यों आ गए मेडल ऐसे थोड़ी है कि आप मेडल के लिए कुछ टारगेट देके बेटे जा बेटा मेडल के लिए सोच के जाने वाला कभी मेडल नहीं है।